वेलकम टू द चैनल फिजियो अंजना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जो दर्शाते हैं विटामिन डी लेवल की कमी को। विटामिन डी लेवल बॉडी में कम होना एक बहुत ही कॉमन समस्या होता जा रहा है। इंडिया की ही बात लें तो 70% लोगों में विटामिन डी लेवल डिफिशियंट है, और मजे की बात तो ये है उसमें 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो विटामिन डी लेवल की डिफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चल के हम जानते हैं उन साइंस एंड सिम्टम्स को जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में विटामिन डी लेवल क्या काम करता है और उसकी डिफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसको जानकर हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और हम उसको ठीक करने के स्टेप्स भी ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, विटामिन डी लेवल कम होता है और उसको करेक्ट करते करते हम ओवर करेक्शन की तरफ चले जाते हैं और हमारा विटामिन डी लेवल जो हमारे मार्क मेजर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उससे बहुत अधिक, यानी कि टॉक्सिक लेवल, जहां पर वो नुकसान पहुंचाने लगता है अपने हमारे शरीर को, उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमें ठीक रेंजेस में विटामिन डी लेवल को रखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चल के हम जानते हैं ऐसे क्या लक्षण हैं विटामिन डी लेवल कम होने से जो हम पहचान सकते हैं। सबसे पहला लक्षण जो फ्रेंड्स हम नोट करते हैं वो है हमेशा रहने वाली थकान, यानी कि आराम करने के बाद भी जो थकान नहीं जाती, हमेशा इंसान थका थका महसूस करता है और उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। बहुत बार हम इसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेट नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि ब्लड की कमी है, खून की कमी है बॉडी में, विटामिन्स की कमी है, या हमें खाने पीने की हमें प्रॉपर नहीं खा पी रहे, नींद की कमी है, या कि हमारे काम का स्ट्रेस है जिसकी वजह से हम बॉडी में थका थका महसूस करते हैं। ऐसे सिम्टम को जानकर आप फ्रेंड्स अपने ऐसी अगर स्थिति लगे तो अपना विटामिन डी लेवल आप जरूर चेक कराइए। सेकेंड, जो 70% जो हमारे बोन डिसऑर्डर्स हैं, बोन के जो इश्यूज हैं, जैसे कि कमर में दर्द है, अर्थराइटस है, या हमारे जॉइंट पेन्स है, या किसी भी जॉइंट में लगातार बैक दर्द हो रहा है, सर्वाइकल है, वो किसी भी हमारी पोजीशन ठीक कर लिया, हमने पोस्चर ठीक कर लिया, हमने एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और हम पूरा ध्यान भी रख रहे हैं एर्गोनॉमिक्स का, फिर भी हमारी गर्दन में दर्द होता है, या हमारी बैक की इश्यूज़ है, बैक में भी हमेशा थकान थकान रहता है, थोड़ा सा भी ट्रैवल करते हैं तो हमारी बॉडी में दर्द होने लगता है, हाथों में, पैरों में भी अगर आप थोड़ा अधिक वॉक करते हैं तो आपके एंकल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है और हाथों में कट 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 आवाज़ आती है। फ्रेंड्स, ये सब सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं जॉइंट पेन्स के और अर्थराइटिस के सिम्टम्स की हमें विटामिन डी लेवल अपना जरूर चेक कराना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई सिम्टम अपनी बॉडी में देखें तो आप अपना एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करा के अपना विटामिन डी लेवल चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको डिप्रेशन का सिम्टम आने लगा है, यानी कि आपका मन बिना मतलब उदास रहने लगा है और डिप्रेसिव एपिसोड आने लगे हैं, आप लोगों से कटने लगे हैं, आपको लगता है कि आप किसी से इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, आपको बात करने का मन नहीं करता किसी से, सडनली आपको महसूस होने लगा, तब भी आपको विटामिन डी लेवल अपना चेक कराना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं या हल्का सा कोल्ड एक्सपोजर से आपको खांसी, जुकाम या बुखार हो जाता है, खांसी और हमेशा इम्यूनिटी आपकी थोड़ी वीक लगती है, कुछ भी जरा सा ना ध्यान रखने से आपकी तबीयत खराब होने लगती है, तो इम्यूनिटी लो होने का भी कारण एक विटामिन डी लेवल की कमी हो सकता है। इसके साथ अगर आपकी स्किन का ग्लो उड़ता जा रहा है, आपको लगता है स्किन आपकी ड्राई होती जा रही है, उसका ग्लो खत्म होता जा रहा है, आपके बाल गिरने शुरू हो गए हैं, हेयर फॉल होता हो रहा है, अनएक्सप्लेन हेयर फॉल हो रहा है, तब भी अपना विटामिन डी लेवल आपको चेक कराना चाहिए। विटामिन डी लेवल हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बोन्स में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है, जॉइंट्स में पेन, हमेशा जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स हमारे वीक हो जाते हैं, हल्का सा भी गिरने से हमारे फ्रैक्चर्स तक हो सकते हैं। तो ये समस्याएं हमें विटामिन डी की लेवल की कमी से, कैल्शियम की कमी होने की वजह से जॉइंट पेन्स, अर्थराइटस, गर्दन में दर्द, कमर दर्द के सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं।
विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से आपका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर में भी इंक्रीज हो सकता है। अगर ये आप देखें सिम्टम्स को देखते हुए अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो 90% चांसेस है कि आप पाएंगे कि आपका विटामिन डी लेवल डिस्टर्ब्ड है। अब समझने की बात यह है कि अगर आपने ये सब नोट किया कि आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल कम है, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा विटामिन डी का जो सोर्स है वो है सनलाइट। हमारी जो कुदरती सनलाइट है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है। और जब सूरज की किरणें हमारी स्किन पे पड़ती हैं, डायरेक्ट स्किन पे पड़ती हैं, कवर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हम एक्सपोज स्किन के ऊपर, डायरेक्ट स्किन के ऊपर पड़ती हैं सनलाइट, तभी हमारी बॉडी विटामिन डी बना सकती है। तो हमें सन के अंदर कम से कम आधा घंटा, बिकॉज सन के अंदर हमें जरूर बिताना चाहिए, वो भी हमें बॉडी पार्ट को एक्सपोज करके। आज जैसे आप वॉक करने जाएं तो छोटी बाजू की ड्रेसेस पहन सकते हैं, क्योंकि गर्दन से और फेस पे हम ज़्यादातर सनस्क्रीन लगा लेते हैं जहाँ से हमारी बॉडी सन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो छोटी बाजू की शर्ट्स पहनकर या शॉर्ट्स पहनकर आप मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, उस समय अगर आप आधा घंटा भी सनलाइट लेते हैं तब आपकी दिन भर की जो विटामिन डी की डोज है वो कंप्लीट हो जाती है। डेली जो डोज है विटामिन डी की हमारी बॉडी की 400 टू 600 इंटरनेशनल यूनिट है विटामिन डी का, जो हमें रिक्वायर्ड है। इतना अगर हम 10-15 मिनट भी अगर हम ठीक से बॉडी को एक्सपोज कर लें तो हम विटामिन डी लेवल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सुबह का जो सनलाइट है वो बहुत अच्छा रहता है, जिसमें कि हमारी बॉडी आराम से टॉलरेट भी कर लेती है और आराम से विटामिन डी लेवल हम बना सकते हैं। अगर आप डाइट की हेल्प से विटामिन डी लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आप मशरूम ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, अंडे की जर्दी येलो वाला पोर्शन है उसको खा सकते हैं, फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, इनको यूज़ करके आप विटामिन डी लेवल की बढ़ा सकते हैं। पर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आपका विटामिन डी लेवल काफ़ी कम है तो डॉक्टर आपको ज़रूर सप्लीमेंट्स, जो कि एक पाउडर फॉर्म में या एक टेबलेट फॉर्म में होगा, उसको आपको देंगे। उसको आप हर वीक एक कैप्सूल लेना हो सकता है कुछ हफ्ते तक, उसके बाद उसको मंथली तक शिफ्ट किया जा सकता है। ये लेने के बाद आपका विटामिन डी लेवल चेक किया जाता है। ये जो विटामिन्स या ये जो टैबलेट्स होती हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की होती हैं, इसको लेने के बाद आपका विटामिन डी लेवल बहुत जल्दी कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलता है आपकी बॉडी को और बहुत जल्दी विटामिन डी लेवल इंक्रीज हो जाता है। और अगर आपका लगता है कि विटामिन डी बहुत लो हो रहा है तो, और आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो डॉक्टर्स इंजेक्शंस भी प्रेफर करते हैं। ये 6 लाख इंटरनेशनल पर यूनिट के इंजेक्शंस होते हैं। ये इंजेक्शंस देख के आपका जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो आपको विटामिन डी लेवल मिलता है उसका, उससे आपका विटामिन लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। पर इस तरह का जो विटामिन डी लेवल बढ़ाया जाता है वो जिस तरह आप इंक्रीज करते हैं और जैसे ही अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आते हैं उसकी लेवल गिरने लगती है। तो आपको कांस्टेंट अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट और आपको इन सब चीज़ का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ध्यान रखना है। और आपका जो ड्रॉप होता है विटामिन डी लेवल जब आप ट्रीटमेंट फिनिश करते हैं, उस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत चांसेस है कि आपने एक बार रेज कर लिया विटामिन डी लेवल और कुछ जब आप फिर बैक टू अपने नॉर्मल रूटीन में आते हैं, नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल में आते हैं जिसमें आप सन एक्सपोज नहीं करते, खाना नहीं खा रहे या विटामिन डी लेवल का, तो चांसेस है कि आपकी विटामिन डी लेवल फिर ड्रॉप हो जाए। तो ऐसी स्टेट में आपको अपने लेवल्स को जरूर मेंटेन करते हुए चलना है। नॉर्मल रेंजेस ऑफ विटामिन डी लेवल हमारी कंट्री में 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर्स से कम है अगर विटामिन डी लेवल, वो डिफिशियंट माना जाता है, जिसकी वजह से बोन हेल्थ हमारी इफ़ेक्ट होती है, जॉइंट हेल्थ हमारी इफ़ेक्ट होती है, हमारी बॉडी में दर्द या दर्द के सिम्टम, पेन के सिम्टम्स और वो सब सिम्टम दिख सकते हैं जो विटामिन डी लेवल की डिफिशियंसी के हैं। और 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर अगर हमारा विटामिन डी लेवल है, उसको जनरली हम सेफर साइट मानते हैं, सफिशिएंट मानते हैं, जिसमें कि हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से अधिक अगर विटामिन डी लेवल है, उसको बहुत सारी लैब्स टॉक्सिक मानती हैं, जिसमें हमें टॉक्सिसिटी और हमें और उसके एडवर्स साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। इनको देखकर हमें अपनी बॉडी को फिजिशियन से कंसल्ट करके अपनी डोज को सेट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा एंड यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स हु माइट नीड दिस इन्फॉर्मेशन।